करने के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट करने का हर दिन एक एक टेबलेट लेते रहिए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट किसी का भी हो, किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी बुक पब्लिकेशन का जो स्टैंडर्ड हो। तो हर दिन आप एक एक प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपका कंटिन्यूअस रहेगा पढ़ाई, और आप गलत जो प्रश्न करते हैं इसका संभावना बहुत कम रहेगा। लीवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और अगर PSC या क्लास 11-12 का पॉलिटिकल साइंस का तैयारी आप कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्नों से रूबरू होते रहिए, और एक एक प्रश्न को ध्यान से अंत तक देखिएगा कि सवाल कैसे हैं, और कमेंट जरूर करिएगा। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लिए हैं इंडियन पॉलिटी का, और एंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया गया है, आप सुविधा के हिसाब से अपना देख सकते हैं किस में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन रिपब्लिक हैज़ विस टाइप ऑफ वीटो पावर, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की वीटो शक्ति है। देखिए, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और क्वालिफाइड वीटो। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वालिफाइड वीटो है, ये वीटो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं। अब चलिए इंडिविजुअली देखने का कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। सस्पेंसिव वीटो ये होता है जब किसी बिल को इंडियन पार्लियामेंट को राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन, मतलब पुनर्विचार के लिए जब लौटा देते हैं तो उसको बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या करते हैं कि विदहोल्डिंग ऑफ एसेंट टू द बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो संसद बिल पारित कर दिया उसके बिल पे अपना एसेंट को रोक के रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉकेट वीटो, टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, जो बिल पास हो गया उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एब्सोल्यूट और पॉकेट बिल्कुल एक समान जैसा दिखता है, लेकिन वैसा नहीं है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट है क्वालिफाइड वीटो, विच कैन बी ओवर रिडन बाई लेजिस्लेचर विथ ए हायर मेजोरिटी, तो जो इनका ओपिनियन है उससे ये भिन्न है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्वालिफाइड वीटो छोड़ के भारत के राष्ट्रपति के पास सारे वीटो हैं। एक सवाल देखते हैं, विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग द बेंच, विच गिव्स इट्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन ए रेफरेंस मेड बाय हिम। आप ऐसे समझिए कि जब राष्ट्रपति है एक पर या किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन मांगता है, तो उसमें कितने जजेस का बेंच होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके द्वारा दिए गए ये जो एडवाइजरी ओपिनियन है ना राष्ट्रपति का, उससे संबंधित है कि राय देने वाले बेंच में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। चलिए फट से आंसर करिए, 3 होगा, 7 होगा, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। कि इसका सही आंसर है 1/2 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का टोटल स्ट्रेंथ 31 है, तो 1/2 स्ट्रेंथ का चाहिए इसमें संख्या, वही एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। से अभी मोबाइल कोर्ट सुनते होंगे ना, कि न्यायालय आपके द्वार बोलते हैं ना, न्यायालय के द्वार, ये पहली बार किसी जो हमारे देश के पदाधिकारी हैं उनके मन में आया था कि न्यायालय आपके द्वार, मतलब अगर जो विक्टिम है या जो अफेक्टेड है उसके द्वार पे न्यायालय का पहुंच हो। तो ऑप्शन ए है जस्टिस भगवती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, मिस्टर राजीव गांधी। देखिए, सही आंसर है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन रेफर्स टू, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन क्या होता है। बोलते हैं ना कि जैसे यहाँ इंटरनेशनल मुद्दा आता है, जैसे ताइवान का या चाइना का मुद्दा ले लीजिए, तो इसमें देखा जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर किधर क्या होता है। तो ये ऑप्शन है कंपेयरिंग द पॉलिसीज ऑफ यूरोपियन नेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स, पॉलिसीज ऑफ नॉन अलायंस, मैचिंग पावर ऑफ वन स्टेट अगेंस्ट द पावर ऑफ अनदर। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही स्पष्ट है कि एक देश का दूसरे देश के साथ पावर का मैचिंग को बोलते हैं। एक सवाल देखिए, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार है, बताइए फटाफट। ये बहुत आसान सवाल है, जुडिशियरी, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल और प्रेसिडेंट। सही आंसर है देखिए लोकसभा, जुडिशियरी नहीं है, राज्यसभा नहीं, प्रेसिडेंट नहीं है, लोकसभा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ आयरन लार्ज
ऑफ ओलिगार्की। देखिए हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं ओलिगार्की क्या होता है कि ए फ्यू पीपल, जो इलाइट क्लास के फ्यू पीपल हैं, उनके द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसको ओलिगार्की बोलते हैं, कुलीन तंत्र हिंदी में बोलते हैं। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कुलीन तंत्र के लौह कानून से संबंधित है? ये है ऑप्शन कर्नल मैजिनी मिलेट, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो माइकल है ये एक अपना बुक पब्लिश किए थे 1911 में, पॉलिटिकल पार्टी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ओलिगार्की में आपको पता ही है कि इलाइट फ्यू के पास सारा शासन चलाने का तंत्र रहता है, सारा वही मैनेज करता। तो इस तरह से होता क्या है कि जो डेमोक्रेटिक आइडियाज और प्रैक्टिस होता है वो क्या होता है, इनेविटेबली सकम टू द रूल, मतलब वो उसके अधीन हो जाते हैं। सारा तो वो करते हैं, सारा शासन व्यवस्था पर शासन करना उनके हाथ में जब आ जाता है, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज और प्रैक्टिस सब क्या हो जाते हैं, वो सब धूमिल उसके सामने हो। एक सवाल देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड रिवॉल्यूशन एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम। लिखित में से किसने क्रांति को स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन माना, मतलब क्रांति करके ही स्वतंत्रता हमें तब मिलेगा जब हम क्रांति करेंगे। हो सकता है कि इनके हिसाब से गांधीयन आइडियल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो था, इसके हिसाब से हमें सुना मिले, हमें सुभाष चंद्र बोस, भगत, राजगुरु, सुखदेव जो त्याग बलिदान किए, वो माध्यम अपनाना होगा। तो ये कथन किनका है, ये जॉन मिल्टन का है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट डज द प्लेबिसिट मीन, जनमत संग्रह का अर्थ क्या होता है? पीपुल्स डिसीजन, पीपुल्स वोट, पीपुल्स ओपिनियन, पीपुल्स डिक्री। ये सही ऑप्शन है पीपुल्स ओपिनियन। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम बाइंडिंग होता है, जैसे जानते होंगे ना रेफरेंडम और प्लेबिसिट, ये दो चीज़ें, दोनों का मतलब जनमत संग्रह होता है, तरीका थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, और दोनों का जो कंप्लायंस होता है, अनुपालन का तरीका, फॉलो करने का तरीका, वो अलग होता है। तो जानते हैं जो रेफरेंडा होता है, रेफरेंडम में ये बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे, सरकार उसको मानने के लिए बाध्य होता है, और प्लेबिसिट क्या है, ये एडवाइजरी रेफरेंडम है, मतलब ये लागू करने का या इस डिसीजन को पालन करने का कोई बाध्यकारी नहीं है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडा एंड प्लेबिसिट। और ध्यान रखिएगा अक्सर ये जनमत संग्रह का, कश्मीर में जनमत संग्रह करा लीजिए, पाकिस्तान हमेशा बोलते रहता है, और जो हमारे देश का जो विभाजनकारी शक्तियां हैं वो भी इस पे जोर डालती है। सवाल है, विच फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेज, मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। देखिए यहाँ पे ना सबसे ओल्ड मैन है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पे हम लोग हर एक इंडिविजुअल के अधिकारों का आदर करेंगे तभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल मेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी विच स्टेप में बी टेकन, वित्तीय आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान कौन सा कदम उठाया जा सकता है? देखिए बहुत सारा जो हमारा आर्टिकल जानते होंगे कि आर्टिकल 360 है हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित 360, इसमें कौन कौन से कदम उठाया जा सकता है उसमें ऑप्शन देखते जाइए। यूनियन बजट not be presented, payment of salary to public servant will be postponed, payment of government debts will stop, salaries and allowances of any class of employee may be reduced। देखिए यूनियन बजट नहीं प्रस्तुत किया जाएगा ना, पेमेंट रोक दिया जाएगा, रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट सरकारी ऋण को रोक दिया जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, जो हर क्लास के हर वर्ग के जो एम्प्लॉय हैं उनका वेतन और भत्ते को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखना, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, देखिए मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। निम्नलिखित में से किसी संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत, देखिए डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग थ्योरी दिए हैं, यहाँ पे हम मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी का बात करते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था, जीन बॉर्डिन, जॉन ऑस्टिन, ऑगस्ट कॉमेट, एंथोनी गिडेंस। तो ये मोनिस्टिक ऑफ सोवरेनिटी किसने दिया, फट से बताइए, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए जैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर का बात आता है, आप जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली निम्नलिखित में से
कौन सी है, आपको बताना है। सोशलिस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे सही आंसर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, वेयर द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएट। जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ महाभियोग का कार्यवाही शुरू की जाती है। आपको बताना है कि ये कार्यवाही कहाँ शुरू की जा सकती है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सभा में या कोई में भी नहीं। देखिए सही आंसर है उपराष्ट्रपति महोदय को हटाना है तो राज्यसभा से इनिशिएट किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ह्यूमन कंसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स, राइट्स डिमांड द स्टेट। हु हैज मेड दिस स्टेटमेंट। मानव चेतना स्वतंत्रता को अभिगृहित करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। देखिए स्टेटमेंट है पॉलिटिकल थ्योरी का, डिफरेंट जो विद्वान लोग हैं अलग अलग थ्योरी दिए हैं, तो आपको बताना यह कथन किसने दिया। ग्रीन, हेगल, वार्कर, लास्की। ये ग्रीन सिग्नल है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ग्रीन महोदय का है। फिर नेक्स्ट सवाल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन विथहेल्ड अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सुनते होंगे ना कि जो किसी बिल को गवर्नर अपने पास रख लेते हैं कि हम राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है। देखिए एक बार झारखंड राज्य में भी ऐसा हुआ था, एक बिल को रोक के रख लिया गया था राज्यपाल के द्वारा। बताइए कमेंट करके कि कौन सा वो बिल था। तब तक हम इसके ऑप्शन पे विचार करते हैं, आर्टिकल 196 अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 202 के। सही आंसर है अनुच्छेद 200 में ऐसा प्रोविजन है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, द टर्म सॉवरेनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। संप्रभुता शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, नन ऑफ दीज। देखिए एक बार में आप जानते होंगे कि मैक्सिमम वर्ड हम लोग के लैटिन से लिया गया है। देखिए संप्रभुता जो सॉवरेनिटी है, सुपर एनस ऐसे बोलते हैं इसको, जो लैटिन वर्ड है सुपर ए एन यू एस, सुपरेनस। सुपरेनस का मतलब होता है सुप्रीम और पारामाउंट, तो ये लैटिन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, द ओनली मैटर इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ, एकमात्र मामला जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि बहुत फेमस ट्रेडिशनल सवाल ये है, राष्ट्रपति ने सिर्फ आज तक एक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति महोदय का नाम जानते होंगे, सरदार जी थे, आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, डोरी प्रोहिबिशन बिल, हिंदू कोड बिल, पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल, की बिल का चर्चा बाद में किया जाए। देखिए ये था 1986 का समय है, 1986 जब इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति ने। हु डिफाइंस स्टेट एज द पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन ए डिफरेंट डिफिनिट टेरिटोरी। राज्य को एक निश्चित क्षेत्र के भीतर कानून के लिए संगठित लोग, राज्य क्या है, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर कानून के लिए संगठित लोग है। राज्य का परिभाषा इन्होंने ऐसे दिया, ऑप्शन देख लेते हैं, जेके ब्लंसली, वुड्रो विल्सन, लेनिन, राल्फ मिलीबैंड। यहाँ पे देखिए सही आंसर कौन सा होगा, वुड्रो बिल्सन। एक सवाल ले लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स सुप्रीम टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार का जब हम चर्चा करते हैं, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसका अभी हम लोग ने चर्चा किया, तो इसी में रिव्यू है, अपना जो जजमेंट है उसको खुद रिव्यू करने का है। ये कौन सा है, देखिए आर्टिकल 137, 139, 140 और 141। आर्टिकल आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो भाई कम मारने से जरूरी नहीं कि आंसर सही लग जाए। चलिए आर्टिकल 137 इसका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज इज रिटन बाय, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखा गया, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो और कार्ल मार्क्स। ये देखिए मॉन्टेस्क्यू का बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए बहुत बार सुनते होंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है, वारंट ट्रायल है, नॉन वारंट ट्रायल, ये सब लॉ से रिलेटेड है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत सिंपल है, जो आम भाषा में कभी सुनते होंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, संज्ञेय अपराध एक अपराध को संदर्भित करता है। ये क्या होता है, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट, अरेस्ट कैन बी मेड विथ वारंट, पुलिस कैन रजिस्टर ए केस विथ
डाउट फॉर्मल कंप्लेन इट इज अंडर ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट। देखिए इसका सही आंसर है कि पुलिस कैन रजिस्टर अ केस विदाउट फॉर्मल कंप्लेन। पुलिस खुद देखते होंगे कि किसी किसी केस में खुद इन्फॉर्मेंट बन जाती है, जिसको सूचक हम लोग बोलते हैं। एक सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है। राजनीतिक, देखिए हम बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल लिबर्टी का सिर्फ चर्चा हो रहा है। आप यहाँ वोट मैन आउट करके भी आंसर कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू वोट, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। देखिए ये सब राजनीति है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जानते होंगे आर्टिकल 32 से संबंधित है, जिसको अंबेडकर महोदय ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ पे आंसर हो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस का हम चर्चा कर रहे हैं, इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफर, प्लेबिसिट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा रेफर करना। रेफर करना में आप जो भी रेफर करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, आप किसी को संदर्भित कर देते हैं कि इट इज ड्यू टू डिस। और जो प्लेबिसिट है, रिकॉल है, इनिशिएटिव है, ये सारा डायरेक्ट एक्सरसाइज सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो अपील एक्सेप्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट। निम्नलिखित में से किस न्यायालय के न्यायों के विरुद्ध कानून के मुद्दे को छोड़कर कोई अपील नहीं हो। देखिए सब जज कोर्ट है, स्मॉल काउजेस कोर्ट है, कोर्ट ऑफ मुंसिफ, हाई कोर्ट। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, स्मॉल काउजेस कोर्ट। अब देखिए स्मॉल काउजेस कोर्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना हुआ था प्रेसिडेंसी स्मॉल काउजेस एक्ट 1882। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार राइटिंग में, लिखित रूप में इस तरह का कोर्ट किसी भी जगह स्थापना कर सकता है। और जो स्मॉल सिविल केस, सिर्फ छोटे मोटे सिविल केस जो समरी मैनर का होता है, उसको उसमें सुनवाई होता है। जैसे अगर आपको थोड़ा जानकारी होगा कोर्ट और के बारे में, तो आप एक चीज ये ध्यान दे सकते हैं कि जैसे अगर अपना कोई कोर्ट सम्मन करता है कोई तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को खिलाफ, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्मॉल काउजेस कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट है या जज इंचार्ज है, उसको वो रिफर करेगा या आप इस सम्मन को सर्विस करके वापस महानगर। इस तरह से स्मॉल काउजेस कोर्ट क्या करता है, सिविल केसेस जो स्मॉल वैल्यू का, कम वैल्यू का और समरी मैनर का हो, उसका ट्रायल करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इंश्योर्ड थ्रू पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से क्या सुनिश्चित किया जाता है, राजनीतिक स्वतंत्र, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल, बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक इक्वालिटी और नन ऑफ दिस। देखिए सही आंसर है, इसमें ऑपरेसिव रूल के खिलाफ हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता लेते हैं, और बेसिक एम्यूनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये सब हमारा इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक लिबर्टी से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म फेडरल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। देखिए फेडरल भी लैटिन वर्ड है, फेडर, व्हाट डज इट मीन। फेडरल शब्द फेडस से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए फेडस का मतलब होता है पैक्ट होता है, ट्रीटी होता है, कवेनेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल, यहाँ सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया रेसिडियरी पावर रेस्ट विच अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अवशेष शक्तियाँ किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये फटाक से आंसर कर देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम। कि अभी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं प्लेबिसिट एंड रेफरेंडम में अंतर क्या होता है, जनमत संग्रह का अर्थ क्या होता है। रिफर टू पीपल, रिफर टू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। देखिए जनमत जहाँ जन आ गया, देखिए जन मतलब पीपल, तो यहाँ से ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। देखिए, हु डिफाइंड सोवरेनिटी एज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजंस एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेंड बाय लॉ। प्रभुता को नागरिकों और कानून द्वारा अनियंत्रित विषयों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता ये है। यह नागरिकों और कानून द्वारा अनियंत्रित विषयों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, वही संप्रभुता है। तो इसको ऐसा कौन परिभाषा दिया था, ऑस्टिन, लॉके, बोडिन, रूसो। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा होगा, इन्होंने अपना बुक द रिपब्लिक 1576 में पब्लिश हुआ था, उसमें ऐसा परिभाषा इन्होंने दिया था। देखिए प्रश्न संख्या 30 देख रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग द लोएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन
कौन भारत में राजस्व का सबसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, राजस्व का, रेवेन्यू का सबसे निचला न्यायालय है? तो नायब तहसीलदार, मुंसिफ, सब जज, रेवेन्यू बोर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नायब तहसीलदार, जिसको बहुत जगह सर्किल ऑफिसर या कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। निम्नलिखित में से किस संशोधन, देखिए संशोधन का नाम बताना है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति कम कर दिया, जुडिशियल रिव्यू को कम कर दिया। तो 24वां इसे मत समझिएगा, ये से आजादी वाला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम, तो संविधान संशोधन अधिनियम है। तो आपको बताना है 24वां, 26वां, 42वां और 44वां। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारे देश के समय जिस समय इमरजेंसी लगा था उसके आसपास के पीरियड का बात है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हु रोट द बुक द लॉ ऑफ वार एंड पीस, का नाम है, किसने लिखा आपको बताना है। ऑप्शन ले लीजिए, जॉन ऑस्टिन, जॉन बॉडिन, ह्यूगो ग्रोटियस, जॉन लॉक की। सही ऑप्शन है ग्रोटियस ने लिखा द लॉ ऑफ वार एंड पीस। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज बेटर टू बी वेग देन इररिलेवेंट, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रेफर टू। अप्रासंगिक होने से अस्पष्ट होना बेहतर है, ठीक है, यह कथन किसके बारे में। देखिए नीचे पॉलिटिकल सिद्धांत सब है, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविज्म और एम्पिरिसिज्म। सही ऑप्शन है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, कौन सा लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है, नहीं बताना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इफेक्टिव लेजिस्लेचर, सिविल लिबर्टी, परफेक्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखिए सही आंसर है परफेक्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो कि थ्योरी में बहुत बार डिस्ट्रीब्यूशन का बात आता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इट इज प्रैक्टिकली नेवर पॉसिबल। आप मान के चलिए इकोनॉमिक इक्वालिटी कभी भी किसी भी देश में संभव व्यवहारिक रूप से नहीं, जो गरीब अमीर या मध्यम वर्ग जो भी बोल लीजिए, इसका खाई को कभी नहीं पाटा जा सकता, इसके कारण अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, हु से द स्टेट इज द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ ए डिफिनेट टेरिटोरी, राज्य को निश्चित क्षेत्र के राजनीतिक रूप से संग लोग। तो ऑप्शन ले लेते हैं, जेके बलंसली, रॉल मिलिवन, जॉन बॉडिन, रॉबर्ट। इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे जेके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट पार्लियामेंट इन इंडिया, इट इज एम्पावर्ड, भारत में संसद के बारे में क्या सच है, यह सशक्त है, मतलब पार्लियामेंट सशक्त है, क्या कर सकता है। नॉट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मौलिक स्ट्रक्चर आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता, टू अमेंड कर सकता है, एब्रोगेट खत्म कर सकता है, नन ऑफ दी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका केशवानंद भारती केस में ये डिसाइड हुआ था कि संविधान का जो मौलिक संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन आ गया आपके सामने, ये फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज पर लॉ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार। निवारक निरोध, देखिए ये ध्यान रखिएगा, निवारक निरोध एक उचित प्रतिबंध, देखिए निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिए, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21 है। अब ऐसा क्यों हम बोलते हैं, ये ऐसा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी, किसी को उसके प्राण एवं देहिक जो स्वतंत्रता है उससे उसको डिप्राइव वंचित नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट। अब देखिए यही जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का शब्द ही है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर कानून ऐसा परमिट करता है कि किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जाए किसी पे, है ना, कि अपराध करने का कोई संभावना है, उसको प्रिवेंटिव रूप में डिटेन किया, कहीं पे रोक के रखा जाए, पुलिस ऐसा करती है तो इस तरह का परमिट हमारा लॉ करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट और लिमिटेड गवर्नमेंट। देखिए सही आंसर है लिमिटेड गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरेंट इन कम्युनलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता में निहित है, पीस फॉर ऑल रिलीजियस सेक्ट, सभी धार्मिक संप्रदायों के लिए शांति, एंटागोनिस्टिक एजर्शन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में विरोधी दावा, रेशियल ओवरटोन, नस्ली ओवरटोन, एथनिक ट्राइबल
जातीय प्रतिद्वंदिता। देखिए यह इसका सही आंसर है जीवन के सभी क्षेत्रों में विरोधी दावा एंटागोनिस्टिक एजर्शन। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। देखिएगा पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर संसद सदस्य को अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है। पांचवा, छठा, नौवां और दसवां। देखिए सवाल बहुत आसान है। दसवां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950। नेक्स्ट देखते हैं विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। अब देखिए वित्त आयोग का गठन होना है, कितना पैसा इस टैक्स का कितना पैसा अप्रोप्रिएट करेगा राज्य को, कितना केंद्र को, तो ये सब जो संबंध है कौन टैक्स राज्य लगाएगा, कौन वसूली राज्य करेगा लेकिन बटेगा राज्य केंद्र में, ये सब सारे डिटेल्स जहाँ पे दिए हुए हैं वो आर्टिकल 268 से लेके 268 से लेके 293 तक ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर 12 में ऐसा वर्णित। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू एजुकेशन मेड इनफोर्सिबल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको बताना है भारत के शिक्षा का अधिकार है इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। ये सही आंसर कौन सा है, 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो शिक्षा का अधिकार मिल गया राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज इनिशिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, आप ध्यान दीजिएगा, उस रिपीटेड क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हैं। शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, मॉन्टेस्क्यू। ये फ्रेंच फिलोसोफर थे और स्पिरिट ऑफ लॉज ब्यूक था 1748 में पब्लिश हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेट इज ऑल्सो नोन एज सेक्रेट बैलेट। निम्नलिखित में से किस मतपत्र को, ये एक देश का नाम से संबंधित मतपत्र है, ये गुप्त मतदान के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, ग्रीक और ऑस्ट्रियन बैलेट। तो ये सही ऑप्शन है इसका, ऑस्ट्रेलियन बैलेट। इसमें देखिए इसको ऑस्ट्रेलियन बैलेट्स या मैसाच्यूएट्स बैलेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्शन या रेफरेंडम होता है एनोनिमस रहता है, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि आप मतदाता को धमका के, ब्लैकमेल करके या पैसे से आप खरीद नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 45 केशवानंद भारती केस 1970 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, बहुत बहुत फेमस केस था, जो हमारा फंडामेंटल राइट से संबंधित वीडियोस में देखिएगा, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो बात है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित, वो सारे बात का हम लोग ने चर्चा किया है। तो इसमें क्या हुआ था आपको पता ही होगा, केशवानंद भारती मामला किससे साथ जुड़ा है, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संसद परिवर्तन नहीं कर सकता, ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ये ड्यूटीज से नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से नहीं है, डिफेक्शन से नहीं है। ये एक्चुअली में देखिए केरला के इदनीर मठ के ये संत थे और वहाँ के जमीन से विवाद शुरू हुआ था और वो विवाद शुरू होते होते संविधान तक जा पहुँचा था। नेक्स्ट देखते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में DPSP बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से अपनाया गया है, चलिए एक बार में आंसर करते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर द टर्म फेडरल इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, ये देखिए संशोधन अमेंडमेंट का आर्टिकल है 368 और नोवेयर सही आंसर है। देखिए कहीं भी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया। फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डबल जियोपार्डी इम्प्लाइड, किससे ये इम्प्लाइड होता है, आर्टिकल 19, 20, 21, 22। देखिए इसका सही आंसर है आर्टिकल 20। ये 20 के 2 में देखिए ऐसा मेंशन है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड मोर देन वंस फॉर
वन ऑफेंस, फॉर अ ऑफेंस, एक अपराध के लिए 2 बार सजा का प्रोविजन बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किस विषय से संबंधित है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अनटचेबिलिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए यही सही है। देखिए अनटचेबिलिटी जानते हैं 17 का है, 1955 में एक्ट पारित हुआ था, है ना, और 17 आर्टिकल में वर्णित है, कॉन्साइंस का नहीं जिक्र है, और राइट टू कंजर्व माइनॉरिटी लैंग्वेज ये आर्टिकल 29 है। तो माइनॉरिटीज़ का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करना है 29 में, और इस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये आर्टिकल 30 है। बहुत 29 और 30 के बीच में ना थोड़ा सा ध्यान देने से दोनों के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है पकड़ा जाएगा, और ये कई बार जेपीएससी के एग्जाम में भी ये सवाल आ चुका है, थोड़ा केयरफुल रहने का ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनविटेबल रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, निम्नलिखित में से उदारीकरण का अपरिहार्य परिणाम क्या होता है? अगर उदारीकरण, जैसे 1991 में जानते होंगे कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय हमारे देश में पूरे बाजार को खोल दिया गया, जिसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी बोलते हैं, या भारत के उदारीकरण का सिद्धांत बोलते हैं, तो पूरा बाजार को खोल दिया गया कि काम इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बहुत तरह का तरीका अपनाया गया कि अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। तो इसका एक अपरिहार्य कारण हुआ क्या? न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट, रेंट्री ऑफ स्टेट, रिट्रेस ऑफ स्टेट। देखिए सही आंसर है रिट्रेस ऑफ स्टेट। देखिए आपको वीडियो, हम जानते हैं, बहुत पसंद आया होगा, एक से एक प्रश्नों का संग्रह इसमें रखा गया है, और वीडियो पसंद आ गया है तो यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, और आप भूलेंगे नहीं कि जो बेल आइकन है उसको मत दबाना, नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।